विकासखंड मुंडा पांडे के महर्षि दयानंद डिग्री कॉलेज के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू व मुस्लिम के 101 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। जहां एक ओर गायत्री मंत्रों की गूंज रही तो दूसरी ओर कलमा पढ़ने के बाद निकाह पढ़ाए गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के तहत 70 हिंदू जोड़े तथा 31 मुस्लिम जोड़ों का विवाह कार्यक्रम हुआ। हिंदू परिवारों का विवाह गायत्री परिवार द्वारा विधि विधान और रीति रिवाज के साथ कराया गया, जबकि मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी मुस्लिम परंपरा के मुताबिक व उलेमाओं ने संपन्न कराया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व प्रत्याशी 29 पुनर्की ठाकुर रामवीर सिंह, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 16,000 रुपये का सामान, 35,000 रुपये का चेक वितरण किया गया। सभी को दहेज के साथ सम्मान पूर्वक विदा किया गया। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी श्रद्धा गुप्ता, एडीओ पंचायत भूपेंद्र सिंह कश्यप, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, पूर्व प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर, पप्पू लोधी राजपूत, जय सिंह आदि मौजूद रहे। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को शादी का प्रमाण पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन एडीओ पंचायत भूपेंद्र सिंह कश्यप ने किया। ब्लॉक मुंडा पांडे द्वारा आयोजित किया गया था, यहाँ पे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। सर कितने जोड़े थे और क्या क्या? 101 जोड़ों का आज यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से और मुस्लिम रीति रिवाज से शादी और निकाह हुआ है, जिसमें 71 हिंदू रीति रिवाज से हुए हैं और 30 मुस्लिम रीति रिवाज से। सर नकद कैश कितना दिया गया है उनको और कितनी कटौती की गई है उसमें? जो शासन द्वारा 51,000 रुपये की धनराशि का प्रावधान है, उसमें 35,000 रुपये कन्या पक्ष को एफडी के या खाते में डाले जाते हैं, बाकी अन्य उसको सामान व टेंट व्यवस्थाएँ और अन्य व्यवस्थाओं में। आज कितने जोड़े आए थे यहाँ पर? आज 101 जोड़े यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने ये योजना शुरू कराई थी और इसका अनुदान भी 35,000 जो बेटी के लिए उन्होंने दिया है, वो भी पहली बार ही ऐसा हुआ किसी मुख्यमंत्री ने किया। और ये योजनाएं तो चलती रहेंगी, वो कभी रुकने वाली योजना नहीं है। वर्ष में 2-3 बार इस तरह की शादियाँ सामूहिक विवाह योजना की जाती हैं। अब एक हो गई, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण नवंबर लास्ट में आयोजित होगा। मुंडा पांडे विकास खंड के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आज यहां 101 नव दंपत्ति माने सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़े में बांधे गए हैं, जिसमें 70 हिंदू रीति से और 31 मुस्लिम रीति से निकाह के माध्यम से नव दाम्पत्य जीवन में वो जुड़े हैं। उसका यह आयोजन है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह ऐसी योजना शुरू की है कि जो परिवार गरीब हैं, बेटियों की शादियों के लिए आर्थिक दृष्टि से हर समय जो परेशान और तंग रहते थे, उनके लिए ये योजना है। समाज कल्याण विभाग मोरादाबाद द्वारा इनका सिलेक्शन किया गया है, इनकी पहचान की गई है, छांटा गया है और स्वैच्छिक आधार पर वर और वधु एक सूत्र में यहाँ पर बंधे हैं। इस आयोजन को यहाँ भदासना डिग्री कॉलेज के प्रांगण में यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें आदरणीय रामवीर सिंह जी जो क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ भाजपा के लीडर हैं, यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं नौजवान डॉक्टर नवदीप यादव जी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह जी और इस ब्लॉक की जो वीडियो हैं श्रद्धा गुप्ता जी, उनकी उपस्थिति में यह आयोजन आयोजित हुआ है। और मैंने देखा है कि पंडित जी ने पूरी रीति नीति के साथ और मौलवी साहब ने अपनी परंपरा के आधार पर और अपनी जो उनकी प्रक्रिया है उसके तहत आज यह सामूहिक विवाह योजना 101 जोड़े, इसका मतलब 202 101 वर और 101 वधू, ये
जी और इनके 202 परिवार वह सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। इनकी नई जिंदगी का ये प्रारंभ है, शुरुआत है, गृहस्थ जीवन में इन्होंने प्रवेश किया है। इनका जीवन सुखी रहे, मंगलमय रहे और ता जिंदगी यह अपनी जिंदगी को खुशहाल रूप में व्यतीत करें।